स्ट्रोक सेंटर जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में है, उसने किस तरह से ग्रो किया स्ट्रोक की जो केयर होती है खास जो एक्यूट केयर होती है दैट इज़ नॉट अ वन मैन शो उसमें आपको पूरी एक मल्टा डिसप्लिनरी टीम चाहिए होती है तो ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट जिनका मैंने जिक्र किया ये सारे के सारे यहाँ पे थे इन दे ऑल वर वेरी विलिंग स्ट्रोक जो है वो कितना प्रॉवलेंट हो चुका है इसका कोई इसके बारे में कोई स्पेसिफिक डाटा है या कुछ अंदाज़ा आप बता सकते हैं शिफा वॉज द फर्स्ट स्ट्रोक सेंटर इन ऑल ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान अब कुछ सेंटर्स नए बने हैं तो हमारा डाटा जो है वो बहुत पैची है डॉक्टर साहब ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक में एक क्या कोई सिमिलरिटी है क्या है ब्रेन हेमरेज ऐसे तो मुख्तु टाइप्स की होती हैं लेकिन आ, जो स्ट्रोक से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है दैट इज़ पैरन कैमल ब्लीड जिसके अंदर खून की शरान फट जाती है असलकुम बियॉन्ड द स्टेट की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सायमा जब्बार नाजरीन आज हमने जिस टॉपिक का इंतबाब किया है वो है स्ट्रोक यानी फालिज फालिज की वजह से दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी मरीजों की तादाद उनकी डेथ रेट और माजूरी में इजाफा देखने में आ रहा है कहा जाता है कि विद स्ट्रोक टाइम लॉस्ट इज़ ब्रेन लॉस्ट ऐसा क्यों कहा जाता है और फालिज की वजूहत क्या हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और इसका डायग्नोसिस जो है वो किस तरह से किया जाता है इस सब के ऊपर बात करने के लिए आज हमने इन्वाइट किया है डॉक्टर राजा फ़रज शवेब को डॉक्टर साहब इस कंसल्टेंट स्ट्रोक मेडिसिन एंड न्यूरोब हैं और डॉक्टर साहब हैज़ फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशनस ग्लास्को एंड ही हेज़ सर्टिफिकेट ऑफ कम्पलीशन ऑफ ट्रेनिंग इन स्ट्रोक मेडिसन एंड रिहेबिलेक्म डॉक्टर साहब जी वाल थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपने टाइम दिया डॉक्टर साहब इससे पहले कि हम स्ट्रोक के ऊपर बात करें मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि आप आपका ताल्लुक किस इलाके से है आपकी अर्ली लाइफ कहाँ पर गुजरी आपने मेडिसिन की तालीम कहाँ से हासिल की मैं बेसिकली वेरी लोकल जी मैं रावलपिंडी से हूँ uh, मेरी पेदाइश जो है वो रापिंडी के साउथ में एक छोटे से गाँव से हुई uh, और इनिशियल uh, मैंने एक साल बाद गुजारा उसके बाद एट द टाइम क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ तो फैमिली डिसाइडेड टू मूव टू रावलपिंडी मेनली फॉर एजुकेशन क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स हैं अलमदिल्ला उनका एजुकेशन की तरफ जो है वो बहुत स्ट्रॉग बिलीव था तो वी मूव टू रावल पिंडी uh, और uh, उसके बाद मेरी जो अर्ली एजुकेशन थी वो रावल पिंडी से हुई जिसमें मेरी स्कूलिंग uh, और मेरा इंटरमीडियट कॉलेज और मेरे इवन uh, जो मेडिकल कॉलेज वो यहीं से हुआ तो इसमें जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे कभी कभी मेरा गला वाला ख़राब रहता था और कुछ थोड़ा सा ब्रीदिंग का इशू रहता था जैसे बच्चों को चाड़ उडास्मा और इस तरह हो जाता है तो मेरा हॉस्पिटल के साथ जो है ना वो थोड़ा सा उस वक्त से इंट्रेक्शन होता था मुझे मेरी वालदा लेके जाती थी तो, तो देट वॉज द फ़र्स्ट टाइम वन आई इनकाउंटर्ड डॉक्टर्स और मेडिसिन और इसके पीछे जो है वो यह है कि मेरी बहुत पेरेंट्स मदर और फादर उनको बहुत शौक़ था कि उनके बच्चे जो है वो मेडिकल फील्ड में जाएँ तो डट वॉज आई थिंक स्ट्रॉन्ग इंस्परेशन जो पेरेंट्स से मुझे मिली और उसके बाद uh, मेरी जो बड़ी सिस्टर है शी इज़ आ उसमद डॉक्टर शी इज़ अ स्पेशलिस्ट इन गानाकोलॉजी तो जब मैं तकरीबन सात साल का था तो शी स्टार्टेड हर मेडिकल uh, स्कूल तो उस वक्त मैंने सारी मेडिकल की बुक्स और वो सारी मेरे मैंने घर में आए देखी स्केलेटन और ये तो वो जो एक वो बचपन की इंस्परेशन थी वो फिर मजीद शौक़ में बदल गई और फिर वाले की दुआएँ अलहमदिल्ला फिर मुझे राउल मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन और so, इसके बाद फिर न्यूरोलॉजी की फील्ड में आपका क्या अपना इंटरेस्ट था या फिर इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी ये ऐसे है कि अगेन डॉक्टर बनने के बाद अलहमदिल्ला मैं इंग्लैंड चला गया फॉर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग तो उसमें जो मेरी इनिशियल ट्रेनिंग थी जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है वो तो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में मैंने की लेकिन जब मेरी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के टाइम आया तो देट वॉज द टाइम अराउंड टू थाउजेंड तो उस वक्त ये स्ट्रोक मेडिसिन की ट्रीटमेंट है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होना शुरू हो गई थी और नया ट्रीटमेंट उसमें आना शुरू हो गया था तो मैंने शुरू में काफ़ी टाइम है इमरजेंसी मेडिसिन में गुजारा तो उसमें यह बहुत ज़्यादा एक एक्यूट और आप कि किसी पेशेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो तो इसी तरह से स्ट्रोक में भी जो आप ये थ्रम्बोलाइस और थ्रोमबकमी ये चीज़ें नई आ रही थी और चीज़ें चेंज हो रही थी और इसमें आप किसी भी पेशेंट को एक आपका छोटा सा एक्शन टाइम के साथ और थोड़ा सा आप, आपके जो है ना वो एड रश ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया एंड दैन उस वक्त वहाँ पे ओपनिंग्स भी बहुत अच्छी थी इसकी उसकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी थी एंड अलहमदिल्ला आई गॉट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज तो वहाँ से फिर मेरा वो जो इनिशियल इंटरेस्ट um, I got my uh, training number or uh, they were very good units जहाँ से मुझे बहुत अच्छा support मिला and I got my training there with a very strong professional background आप मुझे बताएं कि फिर आपने शिवा international hospital कब join किया और वापस पाकिस्तान आने के पीछे भी क्या motivation थी England hmm. छोड़कर आप पाकिस्तान आए okay. इसमें देखिए आई वन आई फिनिश्ड माई ट्रेनिंग एज यू मैंशन इन द इंट्रो के जिस दिन मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई उसके नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी पाकिस्तान वापस आने की तो पाकिस्तान वापस आना मुझे हमेशा से शौक़ था जो फर्स्ट डे आई वेंट टू इंग्लैंड बैक इन टू थाउजेंड एंड वन उसी दिन मैंने मतलब बैक ऑफ माइंड में ये था कि मैंने यहाँ से ट्रेनिंग करनी और पाकिस्तान वापस जाना है और अगेन uh, लकीली uh, जो स्पेशलिटी मेरी थी स्ट्रोक मेडिसन uh, ये वो उस वक्त अपकमिंग और न्यू थी और पाकिस्तान में इसके सेंटर्स उस वक्त बहुत कम थे तो आई ऑलवेज़ वांटेड टू सम सर्विस एंड डिलीवर समथिंग और टू क्रिएट सम डिफरेंस तो uh, मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई 2014 में तो उस वक्त आई प्लान कि यस पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और uh, मेरे जाने से शायद किसी को कोई फ़ायदा हो जाए एंड अलहमद ला शिफ़ा वाज़ देर एट दस टाइम और काफ़ी हद तो तक तो चीज़ेंश थी यहाँ पर वो सारा सपोर्ट मेकैनिज़म जो हम वहाँ पर हमारे पास होता था वो यहाँ पर अवेलेबल था एंड पीपल आर वेरी सपोर्टिव हेयर तो वी स्टार्ट जॉइनिंग हॉस्पिटल में है, उसने किस तरह से ग्रो किया उसके बारे में बताइए Uh, जी बैक इन 2014 थाउजेंड फोटीन मैंने ज्वाइन तो उस वक्त ऑलरेडी uh, एक यूनिट uh, जो है वो तकरीबन तो इस्टेबलिश हो चुका था uh, डॉक्टर uh, मैमूना uh, ने उस पर काफ़ी हद तक इससे पहले काम किया हुआ था लेकिन हाइपर एक्यूट सर्विसेज नहीं थी तो वो मेरा काम था और उसी के लिए मैं यहाँ पे आया था uh, तो उसमें यह है सेट एज ए सैट के यहाँ पर सपोर्ट मेकनिज़म इन टर्म्स ऑफ लाइक आई आपके नर्सिंग स्टाफ न्यूरो सर्जरी इमरजेंसी मेडिसन बहुत इंपॉर्टेंट और रेडियोलॉजी ये सारी सर्विसेज थी तो बेसिकली क्योंकि स्ट्रोक की जो केयर होती है खास जो एक्यूट केयर होती है दैट इज़ नॉट अ वन मैन शो उसमें आपको पूरी एक मल्टा डिसप्लिनरी टीम चाहिए होती है तो ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया ये सारे के सारे यहाँ पे थे इन दे ऑल वर वेरी विलिंग टू वर्क क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए जो विलिंगनेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अदरवाइज़ दे आर मेनी हॉस्पिटल यहाँ पे ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं लेकिन हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा होता है दे डोंट कलेबरेट विथ ईच अदर तो यहाँ पर ये बात जो है वो बहुत अच्छी थी तो दे जस्ट दे वर ऑल वेरी ओपन वी डिसकस्ड और फिर हमने ये सारे पाथफेज़ बनाए एंड देन वी स्टार्टेड और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन सिक्स मंथ्स वी स्टार्टेड स्ट्रोक थर्म्बोलाइस जो उस वक्त सॉर्ट ऑफ आ गोल्ड स्टैंडर्ड था पूरी दुनिया में okay. और उसको हमने स्टार्ट किया 2014 में मैंने जॉइन किया 2015 में फर्स्ट पेशेंट वाज वर्म्बोलाइज हेयर और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रो करती रहीं एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वी आर हेयर टुडे तो इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसका भी एक बड़ा रोल रहा है तो वो वो भी अवेलेबल होगी इसके बारे में बताइए जी बिल्कुल तो मतलब जैसे वी स्टार्टेड विद थर्मोलाइस उसके बाद आ, कुछ नए ट्रायल्स आए कुछ नए ट्रीटमेंट्स आए जिनमें से एक जो बहुत काबिल जिक्र है और इंपॉर्टेंट है अगेन दैट इज़ सॉर्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड एट प्रेजेंट इन मेजॉरिटी ऑफ गुड सेंटर्स दैट वाज थ्राम तो उसके लिए इवन हमें क्योंकि वो हमारे लिए भी नया था तो उसमें हमें अपनी ट्रेनिंग के लिए आ, भी कुछ ज़रूरत थी तो उसमें हमारे जो भी इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आतिफ राना मैं और डॉक्टर वसीम इवन हम लोग अपनी ट्रेनिंग के लिए भी इवेंट टू आ, स्वीडन तो सी कि ये सारा सर्विस कैसे हम डेवलप कर सकते हैं हमने अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना है आ, और बाकी हमने टीम को ट्रेन कैसे करना है एंड वी केम बैक एंड वी डिसाइडेड यस हमारे पास वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारी सर्विसज हैं जो हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं एंड वी कैन स्टार्ट दिस तो दो हज़ार अठारह उन्नीस में हमने वो भी स्टार्ट किया एंड अलहमदिल्ला वह भी सर्विस हमारी बहुत अच्छी डेवलप हो गई है इसमें एक और काबिल जिक्र बात किया कि हमने अपनी नर्सिंग टीम और जो री है टीम है उसको भी बहुत अच्छा ड्राइन किया आ, हमारी नर्सिंग की रेगुलर हमने हमने वर्कशॉप्स कें उनको भी इस पर ट्रेन किया अभी एक और चीज़ है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे इवन एक्यूट स्ट्रोक नर्स का कॉन्सेप्ट भी लाया जाए वो भी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ और बिकॉज स्टाफ की मूवमेंट अभी तक पूरी तरह से अचीव हम नहीं कर सके हैं well, लेकिन आई होप इन दैट इज़ इन पाइप लाइन वी विल अचीव दैट इसके अलावा जो अगर uh, आप ट्रेनिंग की बात करती हैं तो इवन जो प्री हॉस्पिटल केयर है उसको भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया जिसमें वन वन टू टू कैपिटल एम्बुलेंस और इवन जो ईडी uh, सर्विसेज uh, के एम्बुलेंस हैं उनको भी इन्वॉल्व किया कि हाउ दे कैन रिकगनाइज स्ट्रोक इन कम्युनिटी क्योंकि जैसे शुरू में आपने कहा कि स्ट्रोक में टाइम लॉस्ट इज़ ब्रेन लॉस्ट एक एक मिनट कीमती होता है तो पेशेंट को स्ट्रोक तो कम्यूनिटी में हो जाता है कम्यूनिटी से लेकर तो जो हॉस्पिटल के डोर तक पहुँचना क्योंकि matter वो मिनट्स मैटर है। करते हैं डोर के बाद तो हमारी जिम्मेदारी है लेकिन डोर तक जल्दी पहुँचना भी इंपॉर्टेंट है तो उसमें हमने इवन अवेयरनेस कम्पेंस भी स्टार्ट की जिनमें से एक इस तरह के जैसे अभी आप हम बात कर रहे हैं ये इस तरह के इंटरव्यूज़ इस तरह के सेशंस टीवी प्रिंट मीडिया स्ट्रोक वॉक्स दूसरे हॉस्पिटल में जाके उनको इन्फॉर्म करना क्योंकि अभी स्टिल बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है लेकिन अलहद ले इस पिछले टाइम में हमने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की और उसका एक और फायदा ये हुआ है कि इस हॉस्पिटल के अलावा बाकी जगहों पे भी ये सर्विसेज स्टार्ट हो गए तो अलहमदिल्ला वी हैव गेंड वेल well. right. अच्छा डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट जो है फॉलिज की स्ट्रोक की इसके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे हम स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्यों है इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और ये एक्चुअली है क्या स्ट्रोक आ, स्ट्रोक है क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी क्योंकि बहुत से लोगों को अब इसके बारे में पता है नहीं है कि स्ट्रोक होता क्या है बेसिकली स्ट्रोक की दो मेन टाइप्स हैं एक कॉमन टाइप है जिसको क्लॉट स्ट्रोक कहते हैं आ, और दूसरा जो अनकॉमन है लेस कॉमन अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है जिसको ब्रीड स्ट्रोक कहते हैं क्लॉट स्ट्रोक भी यह है कि एक ब्लड क्लॉट जो है वो आपके जो वेस्कुलर सिस्टम है जो खून की है उसमें बनता है और वो किसी भी दिमाग की एक किसी शरहन को ब्लॉक कर देता है जब ब्लॉक करता है तो जो रिजल्टेंट एरिया जिसको वो खून की शरहन सप्लाई कर रही होती है वो उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है और उसका जो फंक्शन है जो बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है जैसे आपकी नज़र ख़त्म हो सकती है आपकी बाज़ू में कमज़ोरी हो सकती है आपकी टांगों में कमज़ोरी हो सकती है पूरी एक साइड इफेक्ट हो सकती है या आपकी स्पीच जा सकती है जो दूसरी टाइप का स्ट्रोक है उसके अंदर जो खून की वही शरहान है उसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं बनता बल्कि वो खून की शरहहन फट जाती है जिसके मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं कॉमन ब्लड प्रेशर होता है और उसमें भी यह है कि वो जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग की वजह से दिमाग के अंदर एक प्रेशर बन जाता है और उस प्रेशर की वजह से क्योंकि ब्रेन के अंदर स्पेस नहीं होती है तो जो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं वो डेमेज होते हैं और उसमें भी तकरीबन पेशेंट की जो क्लिनिकल प्रजेंटेशन या जो अलामत होती हैं वो तकरीबन ऐसी ही होती हैं सो ये तो मतलब स्ट्रोक की दो टाइप्स हैं इसके अब मल्टीपल रीजंस होते हैं आई एम श्योर वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो आपके क्वेश्चन से पहले ही मैं आपको आंसर <laughs> दे देता हूँ तो उसमें यह है कि मोस्ट कॉमन है डेट इज़ डायबिटीज़ एंड हाइपर टेंशन शुगर और ब्लड प्रेशर क्योंकि ये आपके खून की शरियनों को डैमेज करते हैं अगर ये मेंटेन भी रहें तब भी क्या हो है मतलब इनको मेंटेन रखना तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट अगर मेनटेन uh, रहें तो आपका रिस्क कम हो जाता है लेकिन स्टिल दे आर मेजर रिस्क फैक्टर्स तो अगर किसी को भी शुगर या ब्लड प्रेशर है तो उनको अपने मौजिज के पास आना और इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल ठीक है जी जो हमारी डाइट की वजह से भी हो सकता है हमारी फैमिली में भी रन कर सकता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना भी बहुत जरूरी है ठीक है क्योंकि वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी आपकी खून के सरयनों में जमना शुरू हो जाता है और आपकी खून की शरायों जो है वो नैरो हो जाती हैं इसके अलावा दिल की बीमारी एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि दिल की बीमारी में ये ये हो सकता है कि कुछ बहुत से ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो बचपन में हो जाती हैं जिसमें आपके जो हार्ट के वेल्वज हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वहाँ पे ब्लड प्लॉट बनकर जो है ना वो ब्रेन में चले जाते हैं इसके अलावा जिन लोगों को दिल की बीमारी होती है जैसे हार्ट अटैक्स होते हैं या जिन लोगों का हार्ट बाईपास सर्जरी हुई हो होती है उसमें एक कॉमन होता है कि दिल का रिदम एबनॉमल हो जाता है जब दिल का रिदम एबनॉमल होता है तो खून दिल के अंदर जमना शुरू हो जाता है और वहाँ से ब्लड क्लॉट बन के दिमाग में चला जाता है सो दैट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेस्पैक्ट है जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है जो ये कहा जाता है कि ब्लड का थिक होना जो है ये भी इसकी क्या कॉज हो सकती है जी देट इज़ ऑल्सो वन रीज़न जो हम ज़्यादातर यंग लोगों में देखते हैं क्योंकि ये जो मैंने पहले आपको सारे रीज़न बताए ये कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम किसी भी एज में देख सकते हैं लेकिन एक सर्टन पॉपुलेशन जो ख़ासतौर पर यंग पॉपुलेशन है उसमें ये होता है कि जो खून इट है वो थोड़ा सा ज़्यादा जमने की सिलाही उसकी ज़्यादा हो जाती है जिसमें कुछ सर्टन केमिकल्स हैं सर्टन uh, फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से खून जमना ज़्यादा शुरू हो जाता है एंड डेट कैन बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर स्ट्रोक तो अनोप साहब कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनको करके इसके रिस्क को कम किया जा सके कोई लाइफ स्टाइल चेंजेस या कोई रिस्क फैक्टर कम करने के लिए और कोई चीज़ लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी मेरा ख्याल है इस पे हमें ज़ोर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि एक तो यह कि हमारा प्ले ग्राउंड ख़त्म हो गए मैं अगर आप जैसे पहले हम जिक्र कर रहे थे कि राहुलपिंडी में हम जब आए तो उस वक्त आधे से ज़्यादा रोटनी जो अभी है वो खाली था हमारे प्ले ग्राउंड होते थे लोग खेला करते थे अब हमारे बच्चे जो हैं वो टैब और लैपटॉप लैपटॉप भी ख़त्म हो गया लैप टैप और फ़ोन पे होते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है वेट्स अब हम आज अगर मैंने वेट्स वेट, वेट, जी वजन वेट। जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज जितने भी पेशेंट मैंने आज अपने क्लिनिक में देखे मेजॉरिटी और ओवर वेटेड ओबीस ठीक है और हम साउथ ईस्ट एशंस की जो एबडामिनल ओबेसिटी है जो वेस्टर्न ओबेसिटी है दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर जिनका फर्स्ट स्ट्रोक फॉर हाइपर टेंशन फॉर डायबिटीज़ फॉर स्कीमिक हार्ट डिजीज जितने भी कार्डियोवेस्कुलर फैक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्ट्रोक उसमें जो है ना हमारा जो ओबेसिटी है और ख़ासतौर पर जो एबल ओबेसिटी है जो विसरल ओबेसिटी, जिसको कहते हैं कि जो पेट निकले हुए हैं इसको कम करना और इसके लिए लाइफ स्टाइल डाइट ठीक है cool. जी डाइट इज बैलेंस्ड डाइट ठीक है जी हम लोग कार्बीटर्स हैं हम बेकरी खाते हैं हम लोग मैदे की चीज़ें पसंद करते हैं हम लोग बरयानियाँ और हलीमे खाते हैं तो बे बेसिकली हमें बैलेंस्ड डाइट और अपनी डाइट में ग्रीनस को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए सेकंड okay. जो हम रिस्क फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं कि किसी को अगर हाइपर है हाई ब्लड प्रेशर है डायबिटीज़ है उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको अगर खुदा ना खासा हार्ट की कोई बीमारी है तो उसको प्रॉपरली मैनेज करना आपके जो भी लोकल स्पेशलिस्ट हैं जो कार्डियालॉजिस्ट हैं जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं या अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो इसको प्रॉपरली ट्रीट करना मैनेज करना और इसको एक सर्टेन मैट्रिक्स में रखना ज़रूरी है उसके बहुत से ऑब्जेक्टिव मईज हैं कि आप अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर करें ये नहीं कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है इस तरह का शुगर है तो आपके रेगुलर उसकी जो मॉनिटरिंग है सुबह नाश्ते से पहले दिन को खाने की चार्टिंग है उसका जो तीन महीने वाला टेस्ट है उसको मॉनिटर करना किडनी फंक्शन टेस्ट को मॉनिटर करना तो ये सारी ऑब्जेक्टिव मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके मुताबिक आपकी दवाई जो वक्त के साथ चेंज होती है क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि आप उनको दवाइयाँ देते हैं और वो एक ही दवाई को कंटिन्यू रखते हैं दवाई भी वक्त के साथ बदलती रहती है तो अपने जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जिसके पास आप जाते हैं बिल्कुल उसके पास आपके लिए फॉलोअप के लिए आना बहुत ज़रूरी है अच्छा डॉक्टर साहब इसमें कोई और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जिस तरह एज फैमिली हिस्ट्री और पोल्यूशन वगैरह कोई ऐसा की चीज़ आई मीन एज जो है जैसे पहले जमाने में समझा जाता था कि स्ट्रोक जो है ना वो सिर्फ एल्डरली या ओल्ड एज की बीमारी है लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हम बहुत यंग इवन बच्चों में भी स्ट्रोक्स देखते हैं यस ओल्ड एज में क्योंकि बाकी रिस्क फैक्टर्स कंपाउंड हो गए होते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रोक ज़्यादा होता है लेकिन इट कैन हैपन इन एनी एज बहुत से यंग पेशेंट जो वर्किंग एज ग्रुप के हैं उसमें भी हम देखते हैं फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक फैक्टर्स दे आर इंपॉर्टेंट हाइपर टेंशन डायबिटीज इसकेमिक हार्ट डिजीज़ के साथ जैसे वो कॉमन है तो उसमें यस yes, फैमिली में भी ये रन करता है अक्सर हम देखते हैं कि किसी को स्ट्रेस की वजह से स्ट्रोक हो गया क्या इसमें किस हद हाँ तक सच्चाई है स्ट्रेस इज नॉट अ डायरेक्ट रिलेशन ठीक है लेकिन उसके साथ इट्स आई वुड से कंपाउंडिंग फैक्टर उससे आपके जो बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं बट दैट इज़ नॉट डायरेक्ट रिस्पेक्ट है इससे पहले जो जिक्र किया पोलूशन उस पर भी हाँ जी इन्वॉर्मेंट और pollution उस पर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और उस पर अभी कुछ स्टडीज़ आना शुरू हो गई हैं इवन कराची में एक स्टडी हुई थी उसमें उन्होंने देखा था कि जिस दिन एयर uh, pollution ज़्यादा होता है उस दिन ज़्यादा स्ट्रोक्स uh, आते हैं क्योंकि pollution जो है ये आपके ब्लड vessels में जाते हैं इट कैन काज इन्फ्लेशन जो खून की शरियाने हैं उनके अंदर सोजिश काज करते हैं और उस सोजिश की वजह से आपके जो हार्ट और ब्रेन के रिस्क हैं ये बढ़ जाते हैं आ, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ हो रही हैं आई होप इनशाला फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा कंक्रीट आंसर्स मिल जाएंगे लेकिन यस आई एग्री कि पोलूशन इज़ आल्सो वन ऑफ़ दिस्क फैक्टर्स डॉक्टर साहब अगर पाकिस्तान में प्रेवलेंस की बात की जाए तो स्ट्रोक जो है वो कितना प्रेवलेंट हो चुका है इसका कोई इसके बारे में कोई स्पेसिफिक डाटा है या कुछ अंदाजा आप बता सकते हैं हमारे पास एग्जैक्ट स्टडीज़ नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी स्ट्रोक सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है जैसे अभी हमने शुरू में बात की कि शिफा वॉज द फर्स्ट स्ट्रोक सेंटर इन होल ऑफ़ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान hmm. अब कुछ सेंटर्स नए बने हैं तो हमारा डाटा जो है वो बहुत पैची है सिर्फ बड़े शहरों तक है जैसे इस्लामाबाद का कुछ डेटा है कुछ शहर रावल पिंडी का कुछ कराची का डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो उसमें तकरीबन हमारे पास सालाना चार से पाँच लाख नए स्ट्रोक पेशेंट्स आते हैं अगर हम सिर्फ रावल पिंडी इस्लामाबाद का डाटा लें तो तक हमारी पॉपुलेशन तकरीबा चालीस लाख की है तो पर ईयर तकरीबन दस हज़ार नए स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं सो फॉर सिटी लाइक रावरपिंडी इस्लामाबाद अगर हम इसकी हेल्थ सर्विसेज को देखें तो ये काफ़ी बड़ा, बड़ा नंबर है काफ़ी बड़ा नंबर है क्योंकि इनमें इसके साथ जो मॉर्टेलिटी एसोसिएटेड है जो खुदा न खासा डेथ एसोसिएटेड है वो काफ़ी ज़्यादा है डॉक्टर साहब किसी को स्ट्रोक का अटैक हो फिर तो उ... काफ़ी सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि उस तरफ इशारा कर रहे होते हैं लेकिन क्या इससे पहले भी बहुत पहले भी कुछ इस तरह के अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं कोई परसिस्टेंट ज, जो कि आगे जाके स्ट्रोक होने का बायस बन सकते हैं यस कम्प्लीटली इसमें सब पेशेंट्स में नहीं लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें ऐसा हो सकता है और वो बहुत अहम है पॉपुलेशन uh, को इसके बारे में गाइड uh, करना बहुत जरूरी है कि कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे होता है कि एक साइड उनकी थोड़ी देर के लिए कमज़ोर हो जाती है जो खुद ठीक हो जाती है थोड़ी देर के लिए नज़र चली जाती है खुद बेहतर हो जाती है थोड़ी देर के लिए ज़बान इफेक्ट होती है बेहतर हो जाती है और लोग इसको बहुत फार ग्रांटेड लेते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं नहीं। इसको हम मिनी स्ट्रोक या ट्रांजेंट इस्केमिक अटैक कहते हैं टीआईए जिसको कहते हैं अगर इस टाइम पे ये पेशेंट स्पेशलिस्ट के पास आ जाएँ इनकी जो ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन हैं वो हो जाएँ और उनको प्रॉपर सेकेंडरी प्रिवेंशन स्टार्ट हो जाए तो इससे बचा जा तो ये डीजा मेन जब ये पेशेंट मेरे बस आते हैं तो मैं इनको स्टार पेशेंट कहता हूँ कि अगर ये इस टाइम पर पकड़े जाएँ तो दैट इज़ बिग अचीवमेंट क्योंकि एक दफ़ा स्ट्रोक हो गया तो डिसबिलिटी हो गई तो ये वो पेशेंट हैं जो आप पहले पकड़ सकते हैं इनको पहले देख सकते हैं और बहुत थोड़ी सी इंटरवेंशन के साथ ये और अगर आप हेल्थ इकोनमी देखें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल भी है तो इसलिए हमें जो आवाम की आगही है अवेयरनेस है उसको इसके बारे में बढ़ाना है अच्छा डॉक्टर साहब ये क्यों कहा जाता है कि व्हेन इज़ अ स्ट्रोक टाइम मैटर्स इसकी क्या वजह है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और क्या वो रिवर्सिबल हैं या इरिवर्सिबल हैं हैं ये जैसे हमने शुरू में, में जिक्र किया ना कि स्ट्रोक की टाइप्स दो होती हैं एक वो जो क्लॉट स्ट्रोक होता है उसमें जैसे क्लॉट जाके जो है ना वो लॉज करता है खून की शर्यान में तो वो एरिया डैमेज होना शुरू हो जाता है तो वो जो टाइम होता है वो इसलिए मैटर करता है कि हर मिनट में जो न्यूरो हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं तो जैसे जैसे वक्त गुजरते जाता है तो ज़्यादा ज़्यादा न्यूरॉन डैमेज होते हैं तो वो जितना जल्दी पेशेंट एक रिकगनाइज सर्विस में आएगा जहाँ पे स्ट्रोक सर्विसेज अवेलेबल हैं से अगर वो शिफा में पहुंच जाता है तो उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हमें अगर पता चल जाए कि कोई स्ट्रोक इस्टेबलिश नहीं है और पेशेंट को कोई ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि हम उसको कोई क्लाड बस्टिंग मेडिकेशन नहीं देख सकते तो फिर हम क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन दे देते हैं तो जितना जल्दी वो क्लॉट बस्टर चला जाए उतना इम्पॉटेंट होता है तो जो स्टैंडर्ड है वो तकरीबन साढ़े चार साढ़े घंटे के अंदर साढ़े साढ़े चार घंटे बिल्कुल साढ़े चार घंटे है तो साढ़े चार घंटे में अगर पेशेंट को दे दें तो लेकिन ये साढ़े चार घंटे जो है ना वो पेशेंट के लिए डॉक्टर के लिए नहीं कि हमें साढ़े चार घंटे इंतजार करना है ये जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर होता है अब नई स्टडीज़ के मुताबिक ये टाइम विंडो भी एक्सटेंड हो रही है इसी तरह जो थ्रोम है जिसमें हम एक वायर और स्टैंड के जरिए ब्लड क्लॉट को निकाल लेते हैं उसका जो टाइम विंडो है वो हमारे पास अभी तकरीबन छः घंटे के अंदर अंदर तो वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का प्रोसीजर है जिस बिल्कुल करें। बिल्कुल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का प्रोसीजर तो है।, 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 है तो वो जो है वो तकरीबन छः घंटे में हम करते हैं लेकिन उसकी भी टाइम विंडो जो है वो भी एक्सटेंड होती जा रही है डिपेंडिंग अपॉन योर लोकल सर्विसेज तो इसलिए इसमें टाइम जो है वो बहुत मैटर करता है राइट right. और कॉम्प्लीकेशन जो हैं वो इरिवर्सिबल हैं जो इससे नुकसान हो जाता है वो वापस नहीं हो सकता कॉम्पली अगेन अगर तो आप टाइमली पहुंच जाएँ तो मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशन या जो डिसेबिलिटी है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं शायद हंड्रेड परसेंट नहीं कर सकते लेकिन एक फेयर परसेंटेज है वो रिवर्स हो जाती है okay. लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो तो फिर इसकी डिसेबिलिटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली लाइफ लॉन्ग होती है और कुछ बड़े स्ट्रोक्स के साथ जो डिसेबिलिटी है वो बहुत सवियर भी होती है जिसमें इवन कभी क्वेश्चन जो है वो परमानेंट व्हील चेयर या बेड बाउंड भी हो सकता है बट okay. अगर टाइमली ट्रीट करें तो यस इट इज़ प्रिवेंटेबल टाइमली ट्रीट करें तो इट इज़ ट्रीट एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसके फैमिली मेम्बर को स्ट्रोक हो रहा है क्योंकि इंसान कोई गलत फैमिक का भी शिकार हो सकता है या मिक्स कर सकता है किसी और बीमारी के अलामत के साथ तो इसके खास तौर पर क्या अलामत हो इसमें बहुत से वैलिडेटेड टूल्स हैं जो पूरी दुनिया में यूज़ किए जाते हैं और जो कम्यूनिटी के अवेयरनेस के लिए भी हैं जो बाई स्टैंडर्स हैं उनके लिए भी होते हैं और जो एम्बुलेंस सर्विस के लिए भी होते हैं जो बहुत आसान है हमारे एक आम बंदा कहीं पर भी उसको देख सकता है uh, इसको हम कहते हैं बी फास्ट ठीक है इसमें ये ये दिस इज़ बी ई एफ ए एस टी तो अल्फ़ाबेट्स हैं ईच अल्फ़ाबेट फॉर सिम्टम ना जी तो जैसे बी इज फॉर बैलेंस ठीक है अगर आप देखें कि कोई पेशेंट कोई बंदा नॉर्मल चल रहा है लेकिन अचानक उसका बैलेंस खराब हो गया सो दैट इज वन सिम्टम ऐसे ही उसके uh, जो नेक्स्ट अल्फाबेट है दैट इज ई आइज़ कि अगर पेशेंट को अचानक नजर आना बंद हो गया या उसके न, उसको दो दो नजर आना शुरू हो गए या उसके फेस की जो है वो वीकनेस स्टार्ट हो गई है चेहरा पहले बिल्कुल नॉर्मल था अचानक चेहरा एक तरफ को मुड़ गया है या, या उसकी बाजू जो है वो एक कमज़ोर हो गई है या उसकी स्पीच में कोई इफेक्ट आ गया कि वो पहले वो नॉर्मल बोल रहा था अब उसके बोलने में हकलाहट शुरू हो गई है या वो बिल्कुल समझ नहीं रहा या जो बोल रहा है वो आपको समझ नहीं आ रही है तो ये वो बड़े सिंपल सा टूल है जिसको हम बी ई एफ ए एस टी आ, आ, करते हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीज़ को यस कोई प्रॉब्लम शुरू हो रहा है जो न्यूरोलॉजिकल है और जो खुदा न खासा फालिज हो सकता है तो अगर इन में से कोई भी सिम्टम देखें कि बैलेंस ठीक नहीं है आइज़ ठीक नहीं है फेस ठीक नहीं है स्पीच ठीक नहीं है या नज़र में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फ़ौर टाइम ज़ाये नहीं करना विद इन मिनट्स पेशेंट को जो आप है आप इमरजेंसी में लेके आइए डॉक्टर साहब ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक में क्या कोई सिमिलरिटी है क्या है वो अगेन जो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी ना जी के ब्रेन हेमरेज uh, वैसे तो मुख्त टाइप्स की होती हैं लेकिन uh, जो स्ट्रोक से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है दैट इज़ पैरेंट कैमल ब्लीड जिसके अंदर खून की शरेन फट जाती है जब वो खून की शरियन फटती है तो जो जो ब्लड है वो ब्रेन दिमाग के अंदर अकूमलेट होना इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उसके प्रेशर की वजह से ब्रेन डैमेज होता है अब इसके जो अलात हैं ज़ाहिरत तो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे क्लॉट स्ट्रोक हैं लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो है वो एक्जैक्टली exactly अपोजिट है तो इसलिए ये तभी पता चलता है जब मरीज इमरजेंसी में आ जाता है उसका सीटी स्कैन हो जाता है उसका एम हो जाता है और उसमें कन्फर्म होता है कि ये ब्लीड है या क्लॉट है और फौरी तौर पर सर्जरी की जरूरत भी पेश आती है कभी नॉट इन ऑल लेकिन कुछ पेशेंट्स में यस सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है रही। 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 सब क्या स्ट्रोक के बारे में कुछ ऐसी गलत फहमिया भी हैं आम पब्लिक में पाई जाती हैं जो आपको लगता हो कि एड्रेस करना जरूरी है बहुत सी जी गलत फहमी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हर बीमारी को लेके गलत फहमियाँ हैं कुछ लोग तो कहते हैं कि किसी को फालिज हो गया तो बस अब इसकी सिर्फ खदमत करनी है इसका इलाज नहीं हो सकता सबसे इंपॉर्टेंट गलत फहमी ये है आ, तो स्ट्रोक जो है वो इज़ प्रिवेंटेबल स्ट्रोक इज़ ट्रीटेबल सेकेंड बहुत से लोग जो है वो इसमें ऑल्टरनेट मेडिकेशन पे और आ, कुछ स्परिचुल ट्रीटमेंट पर चले जाते हैं जिसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता थर्ड इसकी जो बहाली के हवाले से जो है ना वो बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं कि अपना मरीज को जो है ना वो प्रॉपर बहाली के अमल से नहीं गुजारा जाता क्योंकि जितना ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है उतना इसकी बहाली या रीहेबलीटेशन इम्पॉर्टेंट है और जो बहाली है वो सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं होती है उसमें एक पूरा पैकेज होता है जो बड़ा डायनामिक प्रोसेस है जैसे जैसे मरीज़ चेंज होता रहता है उसकी जो रीहेब की नीड्स हैं वो चेंज होती रहती हैं उसको शोरों में शायद सिर्फ फिजियो की जरूरत होगी या कुछ पेशेंट जिनको सिर्फ स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है कुछ को जो है वो आकोपेशन थेरेपी की जरूरत होती है क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट बहुत सारे यंग होते हैं जिन्हें काम पर वापस जाना होता है उन्हें ड्राइविंग पे वापस जाना होता है उन्हें ऑफिस में वापस जाना होता है उन्होंने अपने की की दोबारा यूज़ करना होता है तो उनको ऑकोपेशनल थेरेपी की जरूरत होती है बहुत से पेशेंट जिनको स्ट्रोक होता है उनको फिज़िकल इंपेयरमेंट नहीं होती लेकिन उनको यादाश्त के मसले शुरू हो जाते हैं उनको कुछ साइकोलॉजिकल इशूज़ शुरू हो जाते हैं मूड इश्यूज शुरू हो जाते हैं तो उनको साइकोलॉजिस्ट और सइकैट्रिस्ट की ज़रूरत होती है तो ये फालिश के बाद जो बहाली का अमल है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं हमारी कम्यूनिटी में कि लोग बहाली के अमल से प्रॉपर गुजरते नहीं हैं जिसकी वजह से एक जो सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन है हमारी पॉपुलेशन का स्ट्रोक वाला वो जो है वो प्रॉपर जिम्मेदार शहरी नहीं बन सकता नहीं। तो आ, इस पे हमें काफ़ी ज़्यादा जोर देने की जरूरत है और डॉक्टर साहब जो केयर गिवर्स होते हैं स्ट्रोक पेशेंट्स के उनके लिए आप कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे यस ये तो एक सेपरेट टॉपिक है जी जिस पे पूरी बात की जा सकती है लेकिन यस हमारे यहाँ ऐसे न कि कोई वेलफेयर स्टेट तो ये है नहीं आ, हमारे यहाँ जो कम्यूनिटी में सर्विसज हैं वो बहुत पैची हैं तो मेजोरटी ब्रांड जो होता है वो हर तरह से फैमिली को लेना पड़ता है तो इसमें दो तीन बड़ी अहम बातें हैं कि एक तो मेजॉरिटी मेरी जो स्ट्रोक पेशेंट्स हैं वो यंग होते हैं वो वर्किंग होते हैं फीमेल्स हैं तो घर का सारा निज़ाम उन पर होता है मेल्स हैं तो फाइनेंस उन पर होते हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है तो वो एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा एलिमेंट होता है फैमिली के लिए सेकंड हमारे यहाँ जितनी भी सर्विसेज हैं वो फैमिली को खुद बेयर करनी पड़ती हैं जिसमें से दवाइयों के अखराज हैं उनकी जो री के अखराज हैं बाकी पेशेंट को फ़िज़िकली उठाना चलाना गाड़ी में बिठाना तो उसमें बहुत से कयरगिवर हैं वो उनका जो जिसको एक वो एक स्टैंडर्ड टाइम में केयरगीवर स्ट्रेस कहते हैं वो हो जाता है तो येस केयरगिवर को अपना ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि अगर केयरगिवर ठीक होगा तो वो अपने मरीज़ का ख्याल रखेगा तो अगर उनको कोई इस किस्म का प्रॉब्लम हो रहा है जिसमें उनके फ़िज़िकल इशूज़ भी हो सकते हैं कि मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं हम अपने पेशेंट को उठाते हैं जिसके उनके कमर में दर्द शुरू हो जाता है आ, या आ, उनको आ, इस सारे प्रॉब्लम की वजह से मूड इश्यूज डिप्रेशन और वो वाले एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं तो यस ये सारे इश्यूज उनके साथ हो सकते हैं आ, और उनको भी टाइम टू टाइम जो है वो हमें एड्रेस करना चाहिए आई थिंक आइडियली जब ये पेशेंट हमारे पास क्लिनिक्स में आते हैं तो हमें इवन हमें केयर गिवर के बारे में भी क्वेश्चन करने चाहिए कि वेदर वो अपने पेशेंट का ठीक से ख्याल रख सकते हैं क्या उन्हें किसी और सर्विस की ज़रूरत है और जो सर्विस हमारे पास अवेलेबल है वो हमें उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए डॉक्टर तो साहब फिर से शिफा स्ट्रोक सेंटर के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रोक के हवाले से यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं और कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और तरीक़ेकार जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं अच्छा अलमदुल्ला जी हमारा यहाँ पे जो आ, शिफा स्ट्रोक सेंटर इट हैज़ इवाल्व वेरी वेल जी ओवर लास्ट टेन इयर्स 2014 से लेकर अभी तक क्योंकि इनिशियल जब आया तो इट वाज जस्ट अ स्ट्रोक सेंटर उसके बाद यहाँ पे अलहमदुल्ला थ्रम्बोलाइसिस दो हज़ार अठारह में थ्रॉम जो मॉडर्न पूरी दुनिया में एक राइज तरीका या गोल्ड स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर हो रहा है और हमारे यहाँ जो है वो सारी की सारी कॉम्प्रेंसिव सर्विस अवेलेबल हैं राइट फ्राम एमरजेंसी टू स्ट्रोक यूनिट उसके बाद अब हमारे पास दारो शिफा में वी हैव गॉट इन पेशेंट री हैप सेंटर एज वेल और ओ पी डी में हमारे पास डेडिकेटेड स्ट्रोक क्लिनिक है जिसमें हम सारे पेशेंट को थ्रू आउट लाइफ फॉलो करते हैं तो अलमदिल्ला दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ एट सेंटर जिसको हम किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं और पिछले दस साल में हमने इनके जितने भी रिज़ल्ट हैं जिसमें हमारे डोर टू नीडल डो टू यूनिट टाइम और थर्मोलाइसिस और थर्मोमी के जो रिज़ल्ट हैं वो हमने इंटरनेशनली प्रजेंट किए हैं हमने उसको इंग्लैंड में प्रजेंट किया है ऑस्ट्रेलिया में प्रजेंट किया है अमेरिका में प्रजेंट किया है और अभी बल्कि इवन जो भी हमारी में भी जो रिसेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भी हमने उसको प्रजेंट किया है तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं अगर हम सेफ थ्रम्बोलैस का जिक्र करें तो जैसे 2014 में हमने स्टार्ट किया तो इनिशियल हम वन टू टू परसेंट ऑफ पेशेंट्स को थ्रम्बोलॉज कर रहे थे अभी हम तकरीबन नाइन टू टेन परसेंट पे हैं ऐसे ही जो हमने थ्रोमेक्टमी दो में स्टार्ट की थी उसका भी नंबर हमारा बढ़ रहा है इट इज़ स्लो बट इट इज़ वेरी गुड अलहमदिल्ला रिसेंटली अभी शिफा ने जे सी आई की है उसमें भी स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखा जाता है सो हाउ यू मेक श्योर कि वो वाले स्टैंडर्ड्स जो वो मीट स्ट्रोक सेंटर के वो अलहमद जी हमारे एक तो एक वो स्टैंडर्ड्स अभी मेक श्योर कि हमारा जितना भी स्टाफ है वो उसके लिए ट्रेंड है और हम एडोकोटली स्टाफ हैं जैसे अब हम मॉनिंग राउंडस करते हैं तो वी मेक श्योर कि हमारे जितनी भी टीम है वो हमारे साथ राउंड करती है और हमारी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो डेट शुड बी एट पार विद जॉइंट पार्टी स्टैंडर्ड्स और फिर हम अपने जितने भी सर्विस uh, हैं उनके हम रेगुलर ऑडिट करते हैं और वो हम इंटरनली भी डिस्कस करते हैं और उनको हम जैसे मैंने आपको कहा कि हम इंटरनेशनली प्रजेंट भी करते हैं और इफ़ दिस एनी थिंग जो हम लैक करते हैं उसको फिर हम clear, uh, उसके अंदर ठीक uh, करने की पूरी कोशिश करते हैं हमारे स्ट्रोक के पाथवेज़ हैं आ, जो आ, अब टी आई ए का पाथवे भी आ रहा है जो हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जिसको हमें कैच करने की ज़्यादा जरूरत है ऐसे ही हमारा हेमरजिक स्ट्रोक या जो ब्लीड स्ट्रोक है उसका पाथवे है हमारा जो क्लॉट स्ट्रोक है उसका पाथवे है अब थ्रो को भी हमने अपने पाथवे में शामिल कर लिया है तो, तो दिस इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू तो जे सी आई स्टैंडर्ड्स और ये जितने भी पाथवेज हैं इनको हम अपने हर सर्वे में प्रजेंट करते हैं और अगर उसके अंदर कोई चीज़ भी इंप्रूव करने वाली है तो वी मेक श्योर कि हम उसको इम्प्रूव करते हैं डॉक्टर साहब जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो यहाँ हॉस्पिटल से टेली मेडिसन या ऑनलाइन कंसल्टेशंस के ज़रिए भी स्ट्रोक से रिलेटेड डिजीज़ के लिए कंसल्टेशन लेते हैं और वो किस तरह से फ़ायदेमंद होती है उनके लिए बिल्कुल जी हमारे बहुत से पेशेंट जो हैं वो फार फ्लंग एरियाज़ से हैं क्योंकि शिफा जो है वो सिर्फ पंडित इस्लामाबाद को कवर नहीं करता आई थिंक विद हम तो तकरीबन तो सराउंडिंग दो डिवीजनस को कवर करते हैं और हमारे पेशेंट जो है वो तीन तीन चार चार सौ किलोमीटर दूर से भी आते हैं अब उनसे बहुत से पेशेंट हैं जो फिज़िकली आना पसंद करते हैं लेकिन अभी करंट सिनेरियो में बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो नहीं आ सकते बिकॉज अभी तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल और कॉस्ट ऑफ ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो गई है तो टेली मेडिसन या जो हम फ़ोन पे उनसे डिस्कस कर लेते हैं उसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है तो इसमें जो ओ सर्विसेज हैं वो तो अभी बहुत अच्छी हैं तो एक्यूट सर्विसेज को भी हम अब कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी हम इन्वॉल्व करें आई होप इनशाला दैट इज़ आवर फ्यूचर प्लान तो वो भी हमारे इस सर्विस का पार्ट बन जाएगा इनशाला अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस स्पेशलिटी में डॉक्टर्स की कितनी ज़रूरत है और अगर कोई यंग डॉक्टर्स इसी स्पेशलिटी को ज्वाइन करना चाहें उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे देखिए जैसे मैंने बताया कि स्ट्रोक और जितने भी कार्डियो मेटाबॉलिक फैक्टर्स और उससे एसोसिएटेड कंडीशन हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हो रही है वी आर नॉट हेल्थ सोसाइटी और सिर्फ पिंडी इस्लाम आबाद के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन दस हज़ार नए स्ट्रोक्स होते हैं शिफा में कितने लोग एडमिट होते हैं साल में पाँच सौ ये एक वायद यूनिट है यहाँ पर तो डेफिनेटली हमें बंदों की ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रेंड बंदों की बहुत ज़्यादा कमी है तो हमें सिर्फ ट्रेंड डॉक्टर्स नहीं चाहिए हमें ट्रेंड स्टाफ चाहिए हमें सेंटर्स चाहिए तो इसमें बहुत ज़्यादा जगह है फ्यूचर में क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारी हेल्थ सर्विसेज अभी इतने उस तरह से ग्रो नहीं हुआ उतना इस्टेबलिश नहीं हुआ बहुत पैची सर्विसेज हैं तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी और इसमें आई वुड लाइक टू से कि जैसे दस साल पहले हमने ये एक सर्विस स्टार्ट की थी उस वक्त में देखें और आज में देखें तो अलहमदिल्ला सर्विसेज यहाँ की भी बहुत अच्छी इस्टेबलिश हो गई हैं और हमारे कुछ नेबरिंग एरियाज़ में भी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं तो आई होप इनशाला फ्यूचर में मज़ीद इम्प्रूव होंगी अच्छा डॉक्टर साहब एंड पे मैं कहूँगी कि आप नाजरन के लिए पैगाम दीजिए कि आ, कौन से इससे बचाव के लिए या इसकी अवेयरनेस से रिलेटेड कोई ऐसे मैसेजेस आप उन्हें देना चाहेंगे कि स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है और अगर स्ट्रोक का किसी को सिम्टम्स फील होते हैं तो इलाज कितना अहम है इलाज पर हमने तो काफ़ी ज़्यादा जोर दे दिया है कि इलाज तो आम है कोई भी कंडीशन आपको अगर मेडिकल में है जिनमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए ब्लड प्रेशर शुगर कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज़ तो बिल्कुल भी अपने देर नहीं करनी डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड गो टू योर स्पेशलिस्ट गेट ट्रीटमेंट और दवाई लिखवाना नहीं है दवाई लेनी भी है सेकंड लाइफस्टाइल स्टाइल ठीक है जी वेट रिडक्शन रेगुलर वॉक और इन्वॉल्व स्पोर्ट्स अपने बच्चों को जो है वो स्पोर्ट्स में जरूर डालें एटलीस्ट हर बच्चे की एक स्पोर्ट जो है वो ज़रूर नहीं चाहिए पेरेंट्स को इसमें इंक्रेज करना ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो थोड़ी सी हेल्दी सोसाइटी में है क्योंकि अभी हमारा जैसे लग रहा है कि बिकॉज हमारे पास वो सहूलतें कम हो गई हैं और वो इन्वालमेंट कम हो गई है दैट इज़ वन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एज फार एज स्ट्रोक इज़ कंसर्न इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड इट इज़ ट्रीटल थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपने टाइम दिया थैंक यू नाजीन आज के लिए इतना ही इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़ thank <laughs> you